हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौल सिंह नेगी का अपने गृह क्षेत्र रामपुर पहुंचने पर दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में स्वागत समारोह के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कौल सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे जनता के हितों और सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निभाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमको फेड के अध्यक्ष के तौर पर सहकार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा ताकि सहकारिता क्षेत्र में मजबूती आए, जिसके लिए दूर दराज तक प्रशिक्षणों के माध्यम से लोगों को सहकारिता की मूल भावनाओं से अवगत करवाया जाएगा। इससे पूर्व भाजपा महासू जिला अध्यक्ष अजय श्याम ने बताया कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए कार्यकर्ता आज भाजपा संगठन के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, उसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या अन्य बेहतर प्रदर्शन कर समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह कौल नेगी ने भी 11 वर्ष तक पूर्वकालिक कार्यकर्ता व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर कार्य कर संगठन को नई दिशा देने के गुर सीखे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय श्याम ने बताया कि रामपुर में भाजपा संगठन रूपी सेब बाग में नए व आधुनिक सेब के पौधे की आवश्यकता थी जो जल्द ही फल दे और उसमें बीमारियां भी ना लगे। उन्होंने कहा कि रामपुर में पुरानी वैरायटी की सेब पौध थी जिसमें कई बीमारियां लग चुकी थी, इसलिए उन्हें काट कर नई वैरायटी लगाने की जरूरत पड़ी। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह नेगी ने बताया कि वे सरकार और संगठन का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वे प्रयास करेंगे कि इस पर खरा उतरें और सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हुए जनता के हित व कल्याण के लिए कार्य करें। नर्सरी भी अच्छी है, जिस नर्सरी के पौधे मैंने आपको बताए थे कहां कहां पहुंच गए, लेकिन रोपना, उसके बाद समय समय पर खाद पानी की चिंता करना, उस पौधे के ऊपर मातृवत पितृवत हाथ रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम है, ये आपने कर दिया। तो मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तर्क पर प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व विद्यार्थी परिषद के माध्यम से निकल के, संघ के माध्यम से निकल के, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बढ़ा है, वैसे ही कौल नेगी जी भी आगे बढ़ा। जो भी समस्या आम जनमानस की है, रामपुर की है, इन समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने का काम करूंगा। केवल मात्र उठाने का ही काम नहीं करूंगा, उन समस्याओं का समाधान करके ही दम लेंगे, ये विश्वास मैं यहाँ पर आप सभी को दिलाना चाहता हूँ। मित्रों, कि रामपुर की जो भी समस्या है, इन समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से हो, उसको मैं प्रमुखता से, प्राथमिकता से सरकार के समक्ष लाऊंगा। केवल सरकार के समक्ष लाऊंगा ही नहीं, उसका समाधान शत प्रतिशत हो उसके लिए प्रयास करूंगा। रामपुर में अनेकों समस्या है, ऐसे रामपुर के अंदर एक खेल का मैदान का विषय है, रामपुर में सब्जी मंडी का विषय है, अपने ननखड़ी ब्लॉक में एक सड़क का मामला है, खमाड़ी से टिकर खमाड़ी, ऐसे अनेकों समस्या है, सभी समस्याओं से मैं परिचित हूँ। इन समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से जल्दी हो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा।